मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही थी? 3-4 महीने से इनको बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन थी, ये करना है। इस केस को क्रैक करने के लिए वो सबसे बड़ी लीड क्या थी जो आपको शूटर्स के ठिकाने तक ले गई? सीआई की टीम ने हमारे ने पहला इनिशियल शॉर्टलिस्ट किया, तकरीबन 18 जेलों पे काम किया। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बताया और वो कैसे टूटा? मास्टरमाइंड का उसने बताया कि जी हमने कराया है। विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस का सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कोई कनेक्शन है या नहीं? कुछ हो सकता है। क्या कारण कोई पॉलिटिकल तो नहीं था? कोई पॉलिटिकल वाली बात अभी तक इंटरोगेशन में सामने नहीं आई। ये रास्ते पे चलने वाला अटैक फेल हो जाता है तो उसके लिए मल्टीपल प्लानिंग्स की गई थी? पहले तो इनका था घर में मारने वाला, कोई इनका बंदा जाए जिसके पास ऑटोमेटिक वेपन हो, वो अंदर जाके बर्स्ट फायर कर दे। पुलिस की वर्दियां मंगवाई गई, नेम प्लेट नहीं थी वर्दियों पे। क्या इन वेपन्स का जो है कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन? लाइकली है। हत्या से कितना टाइम पहले ये वेपन उनके पास पहुंचे? कुछ हफ्ते पहले बैग आ गया। 47 का कुछ पता लगा कि किस तरह से पहुंची? उस बैग का पार्ट थी जो अभी तक पता है, लेकिन एके रिकवर नहीं हुई। जोहार के गाँव के पास अगर ना हिट कर पाते तो क्या इनके पास ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए भी वेपन था कि अगर निकल जाएगा तो ये करेंगे? वेपन था तो एके पे ग्रेनेड लॉन्चर वो माउंट हो सकता, तो एक बार फायर हो गया तो उसने डेटोनेट होना ही होगा। इतनी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी क्या लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बिना फोन के रख सकता है? मास्टरमाइंड को ये बोलना कि ये करना है, उसके बाद उसके इतने लोग बाहर हैं, पॉसिबिलिटी है। क्या पंजाब में बंबीहा गैंग वर्सेस बिश्नोई गैंग है? ये बात पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मानी। इंटर गैंग राइवलरी तो है। पंजाबी गायक और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ के मोहरों को तलाशती रही और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटर को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल साहब हैं। धालीवाल साहब, ये एक बड़ा केस आपने क्रैक किया, लेकिन इस केस को क्रैक करने के लिए वो सबसे बड़ी लीड क्या थी जो आपको शूटर्स के ठिकाने तक ले गई? 2 चीजें इसमें बोलेंगे हम, एक नहीं। पहली तो ये कि जीरो डाउन करना है कौन लोग हो सकते हैं। वो नोट मीडिया में बहुत आया, वो हमारी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस टीम को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, वो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी जिन्होंने टोटल बिना मौके पे गए, टोटल टेक से बहुत ही वाइड उसमें एम्बिट था, उससे उन्होंने 8 लोगों को किया कि ये लोग किसी न किसी तरीके से इस वारदात से लिंक्ड हैं। 3 उसमें एक्चुअल शूटर बाद में निकले, 2 महाराष्ट्र ने लिए, उनसे बड़ा केस खोला। आधा क्राइम सॉल्विंग तो आइडेंटिफिकेशन है, कौन लोग हैं पता तो है, मास्टरमाइंड सबको पता है, उसने एडमिट भी कर लिया कि मैंने करवाया। मेन चीज है किसने जाके मौके पे फायरिंग करी, अंजाम दिया। तो सीआई की टीम ने हमारे ने पहला इनिशियल शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद इवेंचुअली जो लीड ली इसमें ब्रेक थ्रू की वो न्यू दिल्ली रेंज थी हमारी, क्योंकि उनका ग्राउंड नेटवर्क और इंटेलिजेंस काफी अच्छी है, तो उन्होंने बहुत जेल्स पे काम किया, तकरीबन 18 जेलों पे काम किया और 14 स्टेट्स में ये जेलें स्प्रेड हैं। तो उसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ते जुड़ते इसकी मूवमेंट ट्रैक होते, क्योंकि वो सारी चीज हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो बता दी तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है जहां से ये इनपुट आई है। पंजाब पुलिस ने अभी लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला केस में नॉमिनेट भी नहीं किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे पहले उसको तुरंत रिमांड पर ले लिया तिहाड़ जेल से। ऐसी क्या लीड थी आपके पास कि ये लगा कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के पीछे है और इस कंक्लूजन तक भी पहुंच गई दिल्ली पुलिस कि मास्टरमाइंड ये है? कंक्लूजन हम उस टाइम नहीं पहुंचे, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा, उसी दिन वारदात वाले दिन ही क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सचिन थापन बिश्नोई का फोन एक नेटवर्क पे आया था, क्योंकि हमारे लोगों ने इतना एक्सटेंसिव काम कर रखा है तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि ये कॉल जेन्युइन है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली कई बार होता है क्राइम में, कोई वैसे ही फोन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता, उसका लिंक नहीं होता। उन्होंने बोला कि ये काफी क्रेडिबल बात है, तो इन्हीं का गैंग इसमें हो सकता है। पहले से भी कुछ ऐसी इनपुट्स थी, क्योंकि ऑलरेडी स्पेशल सेल ने लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, एक शाहरुख था जो कि एक मेन शूटर था जिसके बारे में काफी इनपुट्स आई, उस पर काफी एक्सटेंसिव काम किया सेल ने, अरेस्ट किया, तो इमीडिएटली जो शक की सुई थी तो वहां पे गई। और ऑलरेडी क्योंकि इसके सारे साथियों को, तो जो मेन साथी थे काला जथेड़ी, काला राणा, इनको स्पेशल सेल ने ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ था, और हमारे ऑलरेडी मकोका केस में और एक और हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मर्डर केस था, तो उसमें काफी सारा ग्राउंड वर्क चल रहा था,
तो वो बड़ा एक नेचुरल सीक्वेंस था कि प्रोडक्शन पे लेके आया गया और इंटरोगेशन करी। इंटरोगेशन में उसने रेडीली एडमिट कर लिया कि उसने करवाया, तो उसके बाद हमने बोला कि हाँ मास्टरमाइंड ने रोल एडमिट किया है, लेकिन आगे की डिटेल्स हमने जो कंसर्न एजेंसी थी उनसे शेयर करी और बाकी का तो सब आपको पता ही है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बताया और वो कैसे टूटा? क्या फर्स्ट स्टेज पे उसने बता दिया स्पेशल सेल को कि हाँ ये मर्डर हमने करवाया और मैं ही मास्टरमाइंड हूँ इस केस का? मास्टरमाइंड का उसने बताया कि जी हमने कराया है। क्यों? वो तफ्तीश का हिस्सा है, वो हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि उनकी इन्वेस्टिगेशन खराब हो, लेकिन जो रेलेवेंट चीज है वो हम पंजाब पुलिस से शेयर करते रहे हैं। लेकिन आप कन्विंस तो हुए होंगे ना? आप हम इन्वेस्टिगेशन पेपर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सिद्धू मूसेवाला केस की तो कर नहीं रहे, हमारे पास अपने इतने केस हैं जो इन लोगों ने एनसीआर में कर रखे हैं, उनमें मल्टीपल अरेस्ट हो चुकी हैं इनके सिंडिकेट की। ऐसा नहीं है मकोका लगा, मकोका इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट दिस थिंग, सारे इनके मेन बंदे अरेस्टेड हैं, एक दो के साथ पहले एनकाउंटर भी हुआ है हमारी टीम्स का। तो हम किसी के बोलने से कोई कन्विंस नहीं है, वो तो एक है कि आप, क्योंकि मीडिया बार बार यही चीज पूछता है, हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि उसने एज अ मास्टरमाइंड रोल एक्सेप्ट किया है, उसके बाद मोटिव क्या है उस पर हमने आज तक कोई कमेंट नहीं किया और वो डेलिबरेट है, हमें मोटिव भी पता है कि क्या क्या एट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि उसमें कुछ सही होंगे, क्रिमिनल की बात पे कोई पूरी बात मानने वाली बात नहीं है, कुछ गलत भी होंगे। तो जिस चीज को हमें लीगली कोर्ट में प्रूव नहीं करना वो हम उसमें नहीं पढ़ रहे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही थी? कुछ अरसे से लगे हुए थे, पिछले 3-4 महीने से तो इनको बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन थी कि भाई ये करना है और डिले हो रहा है, और इसकी ओर से भी अपने साथियों को ये निर्देश था जो सामने आया ये था। डेस्परेशन की वजह तो होगी कोई, देखो एक क्रिमिनल ने एक इंटरोगेशन में बात बोली, उस चीज को हम कुछ हद तक उसको कोरोबोरेट भी करते हैं लेकिन कुछ हद तक हम उसको मान भी नहीं सकते। वो चीजें अगेन देखिए मर्डर केस के मोटिव पे आ जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। आखिरकार जो शूटर पकड़े गए, जो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था, उससे एक ये भी तो लोगों को पता लगना चाहिए ना कि इसके पीछे ये एक दो वजहें थी, जो भी उसमें एविडेंस होगा वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जुटा लेगी। लेकिन आपको उसने क्या बताया कि इस डेस्परेशन की वजह क्या थी? वो इन्वेस्टिगेशन में निकले ना निकले ये पंजाब पुलिस का काम है। अनुचित होगा, उस पे हम कमेंट नहीं करना चाहते वजह पे। वो देखिए जो एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जब उनके पास है मास्टरमाइंड पिछले 6-7 दिन से उनके पास है, अब ये शूटर भी इवेंचुअली हमारे केस में तो जो हमने रेस्ट किया है, जैसे लॉरेंस के केस में हुआ कि जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमारा खत्म होगा तो पंजाब पुलिस इनको ट्रांजिट रिमांड पे लेके जाएगी, तो उनको फिर जब मास्टरमाइंड से कन्फ्रंट कराएंगे, देखो हमारे पास जब ये हमने शूटर पकड़े तो मास्टरमाइंड नहीं है, तो मास्टरमाइंड और इनकी जो एक आपस में जैसे होता है कि हमने इनको आमने सामने करके कुछ बात एस्टेब्लिश करनी है, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि मास्टरमाइंड ऑलरेडी पिछले 6-7 दिन से पुलिस कस्टडी रिमांड में पंजाब में। सर काफी एविडेंस है, जो आपने शूटर पकड़े हैं उनका ऑलरेडी काफी इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी एविडेंस था, उस पर कोई सवाल या निशान नहीं है कि इन लोगों ने किया है या नहीं, उनके सीसीटीवी तक है। नहीं वो तो है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या मोहाली के विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस का सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। कुछ हो सकता है, अपनी पूछताछ में वो चीजें एक्सप्लोर की या नहीं की लेवल तक जो हमें एज अ एजेंसी विच इज बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग द क्रिमिनल्स टू जस्टिस हमने वो करी है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि कल को मेन उनके इन्वेस्टिगेशन को जेपर्डाइज करे या जो कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर हो, हमने वो नहीं करी। हमने अपने केस में तमाम चीजें जो कोरोबोरेट करनी थी वो करी हैं। आज हर शख्स जानना चाहता है कि अगर एक सिंगर या एक कांग्रेस लीडर की हत्या हुई तो उस हत्या के पीछे कारण क्या था, और क्या कारण कोई पॉलिटिकल तो नहीं था? कोई पॉलिटिकल वाली बात अभी तक इंटरोगेशन में सामने नहीं आई है। एक पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, उसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा था कि सिक्योरिटी रिड्यूस की इसलिए ये वारदात हो गई, जबकि दूसरा जो आपकी इंटरोगेशन में चीजें सामने आ रही हैं वो डेस्परेटली इसको टारगेट करना चाहते थे सिद्धू मूसेवाला को, तो मैं उन चीजों को भी जोड़कर देख रहा हूं क्योंकि आपका इंटरव्यू पूरे पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी बात सुनने के बाद बहुत सारी जो पॉलिटिकल चीजें भी चल रही हैं या जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर चीजें चल रही हैं उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। देखिए मैं अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ, डेस्परेशन थी। दूसरे नंबर पे वो वाली बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर उस टाइम जब इन्होंने उसकी सिद्धू मूसेवाला गाड़ी को फॉलो किया
तब इनको पता था कि इस टाइम सिक्योरिटी नहीं है। ये थे, काफी दिन से थे, मल्टीपल रैकीज कर चुके थे, इनके मल्टीपल प्लान्स थे, पुलिस की वर्दियां मंगवाई गई, नेम प्लेट नहीं थी वर्दियों पे। ये अभी शूटर्स ने बताया हमें, ये बात हमें भी मास्टरमाइंड से को नहीं पता थी या नहीं उस टाइम सामने आई, लेकिन शूटर्स जो एक्चुअल शूटिंग में गए तो इन्होंने बताया, कुछ लड़के थे जो तरनतारन साइड के आए, तीन लड़के ऐसे भी थे, वो भी हमें एस्टेब्लिश करना बाकी है और वी विल बी शेयरिंग विद द रेलेवेंट एजेंसी ऑल्सो। रास्ते पे चलने वाला अटैक फेल हो जाता है तो उसके लिए मल्टीपल प्लानिंग्स की गई थी कि अगर ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। पहले तो इनका था घर में मारने वाला, घर में इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी है, पैट डाउन सर्च भी हो रही थी, कई बार इन्होंने कई डिकॉय भी भेजे गिफ्ट देके, जैसे एज उनके फैंस होते हैं, फैंस जाते थे, लोग लेके जाते थे कुछ, तो इन्होंने वो ट्राई किया बिना वेपन के। तो जब इन्होंने देखा कि थोड़ा सर्च हो रही है और ये पता चल सकता है वेपन, तो इन्होंने उस प्लान को थोड़ा ड्रॉप किया। फिर इनको एक और इनका प्लान था कि कोई इनका बंदा जाए जिसके पास ऑटोमेटिक वेपन हो, वो अंदर जाके बर्स्ट फायर कर दे। फिर इन्हें लगा कि सिक्योरिटी भी होगी, बर्स्ट फायर में कितना एक्यूरेटली टारगेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज इन्होंने उस चीज को भी अबैंडन किया। फिर इनका ये था कि गाड़ी को फॉलो करके ही इनको लगा कि सबसे ज्यादा इनको लगा कि इसकी पॉसिबिलिटी है, और फिर वो बाकी तो जो वो तो हमें भी नहीं पता था। जब इनको अरेस्ट किया, किरमारा में रेड हुआ हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो जब वेपन मिले तो वो तो हम भी नहीं इमेजिन कर सकते थे कि ग्रेनेड और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और यू नो ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल वगैरह। ये सारा सामान क्या सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के लिए आया था या जर्नल एक गैंग चला रहा है जो बिश्नोई या उसके जो आगे अलग अलग ग्रुप्स के गुर्गे उसके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए तैयार किया था, ये एक्सक्लूसिवली मूसेवाला मर्डर केस के लिए था? हमें लगता है वो इसी केस से ज्यादा लिंक था, क्योंकि जब प्रियव्रत फौजी को ये बैग मिला तो जो आदमी ड्रॉप करके गया, इसको ये था कि एक आदमी आएगा इस चौराहे पे मिलेगा, इसको बैग दे देगा, तो उन्होंने बहुत ही इस चीज को कट ऑफ लगाए हुए थे सारे क्राइम में। अगर आप देखें वेपन कौन देके जा रहा है, देने वाले को लेने वाले का नहीं पता, लेने वाले को देने वाले का नहीं पता, उसका सिर्फ ये है कि यहां आना है, ये बंदा होगा, इसको बैग पकड़ाना और चले जाना है। इसको भी नहीं पता कि बैग में एग्जैक्टली, इसको पता है बड़ा काम करना है, इसको पता था कि ये काम करना है, इसको पता था वेपन आएंगे, इसको भी ब्रेकअप ऑफ वेपन्स नहीं पता थी क्या होगा उस बैग में। इसने भी जब देखा तो ये भी थोड़ा पहले इसको लगा कि ये ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर और ये क्या है। उसके बाद फिर जैसा आपको बताया कि जब ये ट्रांसपोर्ट हुए, गाड़ी कहीं से आई, गाड़ियां प्रोवाइड करने वाले लड़के लग हैं, लेके जाने वाले लग हैं और ठहराने वाले लग हैं, ठहरे भी मल्टीपल जगह पे हैं, रेकी वाले लग हैं, रेकी करने वाले मल्टीपल हैं, खुद शूटर रेकी कर रहे हैं, जो केशव है वो तकरीबन सब रेकीज में गया है इनके साथ शूटर्स के, जिसको साथ पकड़ा गया, लेके जाने वाला अलग है, लेके जाने वाली गाड़ी अलग है। देखा जाए तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और बहुत ही उन्होंने बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन पे जाके ये क्राइम को अंजाम दिया। क्या इन वेपन्स का जो है कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन अभी तक सामने आया? लाइकली है। कोई ऐसा मॉड्यूल पता लगाओ जिसके जरिए आए हों या ड्रोन के जरिए आए? अभी हमें ये पता है कि कोई बंदा करके गया था, उस पे हम बैकवर्ड ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पंजाब का कनेक्शन है? ये कमेंट करना बिल्कुल अनुचित होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कहां से आए या कौन से रूट से आए। हत्या से कितना टाइम पहले ये वेपन उनके पास पहुंचा है? कुछ हफ्ते इसने बोला था, लेकिन एग्जैक्ट दिन मुझे नहीं मतलब ध्यान में कि कौन से दिन आए हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले बैग आ गया है। ये जो वेपन ट्रांसपोर्ट हुए हैं हिसार तक, इसमें भी क्या लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग था या इसका कोई मॉड्यूल या अलग? इसके साथी थे बाहर, दो तीन लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो वो सब कर रहे थे। अगर मान लीजिए कि उस दिन ये सक्सेस ना होते, अगर वहां पर करोला गाड़ी को हिट करके जोहार के गांव के पास अगर ना हिट कर पाते, तो क्या इनके पास ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए भी वेपन था कि वेपन अगर निकल जाएगा तो ये करेंगे? वेपन था, और वो वेपन एक्चुअली AK-47 पहले प्रियव्रत फौजी के पास ही था, उस बैग का पार्ट था, बाद में उसको मनु ने ले लिया, तो AK पे ग्रेनेड लॉन्चर वो माउंट हो सकता, तो हमने देखा वो बहुत ही इजीली माउंटेबल है और वो ग्रेनेड भी बड़ा हाई क्वालिटी का है, एक बार फायर हो गया तो उसने डेटोनेट होना ही होना है। इतनी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी क्या लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बिना फोन के रच सकता है? ये जो एक धारणा है ना कि जेल फोन, 400 उसके केसवार हैं, 10 साल से 20 जेलों में वो रह लिया, इतनी प्रोडक्शन उनकी होती है, इतनी कोर्ट में जाते हैं, इतने स्टाफ में वो रहे, मतलब ये सारे क्रिमिनल इनकी मूवमेंट होती है, इतने इनके मुलाकाती हैं, इतने इनके साथ ही बेल रिलीज हैं, मास्टरमाइंड को ये बोलना कि ये करना है और उसके बाद उसके इतने लोग बाहर हैं,
आई थिंक उसमें पॉसिबिलिटी है उस चीज के। लॉरेंस गैंग में कितने गुर्गे इस टाइम पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे होंगे या इंडिया में? कोई यूनिक नंबर कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, बट इन मल्टीपल हंड्रेड्स हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो बाकी गैंग अंदर रह रहे हैं, इंटरोगेशन में ये बातें भी आई होंगी, चाहे वो काला जठेरी मान लीजिए या भवाना ग्रुप मान लीजिए, जग्गू भगवानपुरिया मान लीजिए, जो अंदर, क्या जेलों से सिंक होकर ये अपने अपने लोगों को अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं? मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का अंदर गैंगस्टर है, कोई पंजाब का अंदर है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, ये सारे अपने गुर्गे मिला लेते हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है इस तरह से। देखो जेल में तो क्रिमिनल की इंटरफेस और लोगों से होती है, कई न्यू कमर है, कई फर्स्ट टाइमर है, कई लोग इनसे बड़ा इम्प्रेस होते हैं, जो छोटे क्रिमिनल है उन्हें लगता है कि भाई से बात हो गई, तो वो वाली बात होती है। तो ये एक जो डायमेंशन है किसी भी बड़े क्रिमिनल की, कोई भी हो चाहे उसका, तो उनके साथ तो काफी जो यंगस्टर फर्स्ट टाइमर हैं काफी उस ग्लैमर में आ जाते हैं। ये सवाल मेरा इसलिए था कि तिहाड़ जैसी जेल में रह के इतना बड़ा मर्डर प्लान कर देना या मैसेज देके मर्डर करवा देना, ये कोई छोटी बात तो नहीं? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में हुआ, ये तो इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी। ये तो उससे पहले राजस्थान जेल में थे और इनके साथी अलग अलग जेलों में हैं, चाहे इनके साथी पंजाब की जेलों में हैं, हरियाणा की जेल्स में हैं, राजस्थान में हैं, यूपी में हैं। वेपन जो सोर्स किए गए उसका एक और कनेक्ट है, वो किसी डिफरेंट स्टेट से है, वहां का आदमी को यूएपीए में पंजाब जेल में मन था उससे है। तो ये एक पिन पॉइंट कर देना कि इस जेल में बैठ के इस बंदे ने ये किया, ये तो बिल्कुल ही मतलब लैक ऑफ नॉलेज वाली बात है। क्या इतना बड़ा देश का पुलिस तंत्र है, क्या उस पर ये चंद गैंगस्टर इतना बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन कर जाते हैं किसी प्लानिंग को, तो क्या माने कि क्या ये बहुत टेक्नो सेवी हैं या इनके जो लोग बाहर हैं वो इतने ज्यादा बहादुर और इतने ज्यादा सोचने समझने वाले हैं कि उनको इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने में कोई दिक्कत ही नहीं आती? एक आदमी जेल में बैठा है, मास्टरमाइंड है, लेकिन उसने एक बड़े सिंगर का मर्डर करवा दिया और डेस्परेशन से करवा दिया। सवाल इसलिए बनता है कि क्या जेलें ही सुरक्षित अड्डा है इन गैंगस्टर्स का? नहीं, ये कहना आई थिंक पूरा करेक्ट नहीं होगा। और सारी पुलिस फोर्सेस जितनी भी नेबरिंग हैं, हमारे अपने और क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, काम तो लगातार करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट प्रिवेंट भी हुए हैं, इन्होंने पहले भी ऐसी अटेम्प्ट्स करी जो कि इंटरवेंशन से बंदे पकड़े गए। लेकिन अगर कोई बंदा क्राइम करता ही है और वेपन का एक्सेस हो जाता है उसे, तो और पेड क्राइम कर रहा है कोई, जाके किसी को गोली मारने, तो हर आदमी के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी तो मतलब ऐसे कॉमन पार्लेंस में नहीं है कि कोई एक आदमी जाके किसी को मतलब, वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहेगी, वो 100% एलिमिनेट नहीं हो सकती। लेकिन हर एक के लिए ताजुब की बात यही बनी हुई है, मेरे लिए भी यही है कि सारा काम जेल में रहते हुए ये कैसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, किसी भी जेल की बात हो जाए। जेल एक डायमेंशन है उस पूरी चीज की, उसकी इंटरनेशनल डायमेंशन है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइमर हैं। अब जो लड़का बोलेरो चला रहा है, ये सिर्फ एक केस में वांटेड है पहले, और इसको पूरी ग्रेविटी भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता कि ये करने जा रहे हैं, इसको ये पता कि बड़ा काम करने जा रहे हैं, मैं प्रेवरत फौजी के साथ जा रहा हूं, और ये चला गया बोलेरो, कितनी इसने डेस्परेटली चलाई एकदम से, कोई ज्यादा उसका क्राइम में पास्ट नहीं है, एक क्राइम उसने किया है, इंटरोगेट किया, तो उसको पूरी डायमेंशन भी उस चीज की नहीं पता, बाद में पता चल रही है कि ये कर दिया। कोई ऐसा कैरेक्टर है इनमें जिसको पूरा केस पता था या नहीं? एक जो सबसे इनमें से मेन था वो प्रियव्रत फौजी था, जो कि पुराना क्रिमिनल है, उसकी गोल्डी से वारदात से पहले बात हुई, उसको डायरेक्शन आई कि टेल करो निकले, सिद्धू निकले हैं, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो रेकी वाले ने बता दिया था बिना सिक्योरिटी के मूव कर रहे हैं। मन्नू ने भी एक इससे ली फायर करी, मन्नू ने पहला बस्ट फायर किया। प्रियव्रत फौजी हम मानते हैं कि जो माइंड और जो डिस्परेशन द कॉम्बिनेशन है वो प्रियव्रत फौजी है। AK-47 आना ये बड़ी बात है अपने आप में, पुलिस के अलावा आर्मी के अलावा किसी के पास नहीं होती है। 47 का कुछ पता लगा कि किस तरह से पहुंची? वो उस बैग का पार्ट थी जो अभी तक पता है। एक अभी हमारे पास शूटर है, इंटरोगेशन हुई है, पता चला है वेपन रिकवर हुए, लेकिन AK रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि AK ये वेपन वो थे जो रिजर्व वेपन थे, इसमें 3 पिस्टल्स हैं, इम्पोर्टेड पिस्टल्स हैं, ग्रेनेड मैंने आपको बता दिया 8 ग्रेनेड है, UBGL है, ये रिजर्व वेपन थे कि अगर पिस्टल कुछ नहीं चलते, 6 के 6 लोगों ने फायरिंग करी है उतर के। AK ने पहले बस्ट किया, उनकी थार रुक गई, उसी टाइम वो बलेरो वाले उतर आए, ये बिल्कुल साथ गाड़ी लगा के चल रहे थे, तो जब इन्होंने देखा कि ये इंजर हो गए हैं तो सबने उतर के फायरिंग करी है। तो ये कुछ रिजर्व वेपन थे कि ये वेपन फायर नहीं करेगा तो ये करेंगे। जब ये पंजाब से निकले हैं तो इनके हाइड आउट कहाँ कहाँ होंगे, ये वेल प्लान्ड था, पहले से तय था? हाँ, ये इन्होंने गुजरात को क्यों चुना इन्होंने? नहीं,
पहले तो ये वहां मानसा गए हैं, देखिए पहले तो काफी कुछ लोकल हुआ है, गाड़ी से उतरे हैं, खेत से गए हैं, दो दो के ग्रुप में गए हैं, मन्नू और रूपा अलग गए हैं, तो सारी घटना तो वहीं हो रही है कुछ 150 किलोमीटर के एरिया में। फिर वहीं का आदमी लोकल जो उस मानसा एरिया को जानता है वो गाड़ी लेके आता है, वो इनको लेके जाता है, वो फिर इनको फतेहाबाद लेके जाता है। वहां पहले एक और होटल, मेरे कुछ चीजें हम आपको नहीं बता सकते, एक होटल है जो ऑलरेडी इन्होंने पहले से डिसाइडेड है, वो किसी और आदमी ने बुक कराया, डिफरेंट नाम से बुक कराया है, उनको भी नहीं पता ये कौन है, इनको नहीं पता कौन से होटल में जाना है, तो वो लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको डायरेक्शन फॉरेन से आ रही है या बाहर से आ रही है। तो ये कहना कि भी वहां वहां तो पहुंचे बहुत बाद में, पहले तो ये मानसा फतेहाबाद यहां रहे हैं, यहां इनकी मूवमेंट हुई है। पर जब इन्होंने देखा, क्योंकि हमारी वो जो फोटोज जो मीडिया में आई, जो हमारा की इंटरनल नोट था, हमने कभी रिलीज नहीं करी, वो एक स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट था। जब इन्होंने देखा प्रियव्रत फौजी का नाम आ गया, डिटेल आ गई, उसकी फोटो छप गई, रूपा मन्नू की फोटो छप गई, दो लोग महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट कर लिए, महाकाल कर लिया, महाकाल एक पुराना डॉक्टर, वहां एक लोकल क्रिमिनल का मर्डर था उसमें वांटेड था, संतोष यादव भी हमारा फोटोज में है, तो हमारी जो फोटोज थी उसमें पांच लोग तो रेलेवेंट निकले, तीन तो पंजाब के शूटर निकले, दो महाराष्ट्र ने ले लिए, एक के खिलाफ मुकोका का वारंट है संतोष यादव के खिलाफ, महाकाल है, तीन लोग उसमें से जो थे मंजीत भोलू एस्टेब्लिश नहीं हुआ, और एक सुभाष बनूड़ा नहीं हुआ, और तीसरा जो था हरकमल राणू नहीं हुआ। लेकिन आई वुड से कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जब किसी को पता ही नहीं, एक फॉरेन स्टेट का इंसिडेंट है, और मौके पे जाए बिना अगर कोई टेक से कुछ एस्टेब्लिश करता है, तो दैट इज अ वेरी गुड ग्राउंड वर्क। अगर कच्छ में इन्होंने अपना पनाह ले ली थी, कोई घर ले लिया था, वहां आइडेंटिटी बदल के रह रहे थे, नंबर वन, और दूसरी बात इनका कब तक वहां रुकने का प्लान था? ये हर कुछ दिन में हाइड आउट बदल रहे थे, खासतौर पर जब फोटो आ गई, तो वो तो हमारी टीम लेट हो गई, क्योंकि मतलब हमारी टीम भी देखिए क्रिमिनल भी मूव करता है, वो तो कैट एंड माउस चलता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारी तो पांच टीमें लगी हुई थी, ऑल आउट लगी थी, और हर शूटर पे हमें जो छह एस्टेब्लिश हो गए थे, हर शूटर पे मिनिमम दो टीम थी, कईयों पे तो तीन तीन टीम सेपरेट, जो कि मुझे रिपोर्ट करते थे, लेकिन आपस में उनका कोई वो नहीं था, बिकॉज थोड़ा चैलेंज भी होता है जैसा कि आप जानते हैं वर्किंग में, तो सबको था कि कौन पहले पकड़ पाता है। एक दो जगह इन्होंने मिस किया, इनफैक्ट कुछ दिन पहले मिस हुए, ये कहीं और थे, प्रियव्रत पे लगी, जब मिस हुए तो फाइनली जब पहुंचे तब भी इन्होंने एक दो दिन ऑब्जर्व किया, क्योंकि इतना ज्यादा उस मोड में थे, इन्हें था कि अब ना निकल जाएं, उस कारण से हमें लगता है कि अगर दो तीन दिन पहले होता तो चारों शूटर इकट्ठे थे, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी भी इनके साथ थे, बट क्योंकि प्रियव्रत वहां बिना मास्क के घूमने लग गया, ये थोड़ा बोल्ड है, डेस्परेट भी है, और इसको ज्यादा पता है, तो उनको लगा कि इसकी फोटो आई है, बिना मास्क के घूम रहा है, ये हमको भी मरवाएगा, तो वो दो लोग डर के इनसे अलग हो गए। ये इतना ज्यादा हाइड आउट, वेपन प्लानिंग, रैकी गाड़ियां, पूरी इस प्लानिंग को अंजाम देने में कितना पैसा लगा होगा और पैसा कहां से आया? देखो वेपन आए हैं इनके पास, और वेपन इन्होंने खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं उस पे मतलब कुछ ऑलरेडी हमें कुछ पता चला, लेकिन क्योंकि डेफिनेटिव नहीं है तो हम आपको कोई कैजुअल कमेंट नहीं करना चाहते। गाड़ियां आई हैं, कुछ गाड़ियां इनकी अपनी हैं, कुछ गाड़ियां छीनी हुई हैं, एक तो वारदात के बाद ही छीनी इन्होंने, बाकी ठहर है इनकी, इनके कुछ साथी हैं अपने, इनके जुड़े हुए हैं, वो केशव जो है वो एक ऑलरेडी एक्सटॉर्शन केस में वांटेड है बठिंडा मानसा के किसी केस में, उसमें अभी हम ज्यादा गए नहीं क्योंकि वो शूटर नहीं है, तो हमारा इतना भी बहुत ज्यादा उन पे ना पेरिफेरल लोगों पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसे पेरिफेरल लोगों पे फोकस करेंगे तो फिर तो हमारा सारा फोकस ही डिविएट हो जाएगा, तो हमारा फोकस सिर्फ है कि छह शूटर कौन है, दैट इज माई सिंगल फोकस टू ऑल माई टीम्स, कि हमें इनको जल्द से जल्द वी हैव टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। पैसा कितना दिया गया है इनको? पैसा अभी तो जो शुरू का एलिमेंट है वो 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 ऐसे दिया गया है, बाद में क्या देना था इन्होंने बोला कि हमें प्रॉमिस किया गया था, अभी वो आया नहीं है, आना था। कितना अमाउंट प्रॉमिस हुआ था इनको रफली? डेफिनेटिव नहीं है तो उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। वो पैसा आ कहां से रहा था, क्या दुबई से भेजा जाए? अभी तो ये कोई ना कोई उनका अपना ही आदमी आके इनको दे देता था कि लाख इनको चाहिए, जाना है, ठहरना है, 1,00,000 दे गया, 50,000 दे गया, अभी तो इस तरीके से था। गोल्डी बराड़ भिजवा रहा था या विक्रम बराड़ भिजवा रहा था? ज्यादा नाम गोल्डी का आया था, और मतलब पैसे देने वाले तो इनको बस ये होता था, कहीं से आ जाता था कि ये आदमी आके पैसे देके जाएगा, या मतलब दो चार बार आए इनके पास पैसे। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई,
ये दोनों कब मर्ज हुए आपस में इस किलिंग को प्लान करने के लिए? ये तो पुराने आपस में जानकार हैं, देखिए पुराने केस हैं पंजाब के बठिंडा के, उसके अपने भाई का मर्डर केस, गुरलाल बराड़ का, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। आई मीन यू नो इनफैक्ट दिल्ली में तो बहुत कम पार्ट है इनका, जो अगर मेन आप देखेंगे तो जो इन्होंने क्राइम करे हैं, आपस में क्राइम हुए हैं, किलिंग्स हुई हैं, जहां ये इन्वॉल्व रहे हैं, वो सारा पंजाब के हैं। दिल्ली में तो इनकी अगर सेंसेशनल केसेस में देखें तो एक हमारे पास मकोका केस है, एक अभी एक प्रॉपर्टी डीलर का केस था जिसमें फायरिंग हुई उसको मारा, और कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। लेकिन इस लेवल के जो इंटर गैंग वॉर वाले बड़े केसेस हैं वो सारे पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं इनके, इनफैक्ट कैलकटा का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है। तो इसलिए कहना कि यहीं से कुछ है तो वो दोनों चीजों के तार जुड़ रहे हैं। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि गुरलाल बराड़ का मर्डर होता है चंडीगढ़ में, उसके बाद मोहाली में विक्की मिडूखेड़ा का मर्डर होता है, और जो 8-9 महीने से या 5-6 महीने से डेस्परेटली सिद्धू मूसेवाला की किलिंग की प्लानिंग होने लगती है, इसलिए वो केस कोरिलेटेड है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि उसके बाद तो नहीं इन्होंने प्लान किया इन दो मर्डर केस के बाद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर? काफी कुछ आइडिया है, लेकिन मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा मतलब इस टाइम फोकस नहीं है कि मोटिव एग्जैक्ट जाने, क्योंकि ये केस का लिंक वो जो पंजाब में तफ्तीश हो रही है ये उस पार्ट का ज्यादा प्रोसेस है। हमारा मेन फोकस अगेन है कि किन लोगों ने मारा है उनको जल्द पकड़े। पंजाब पुलिस ने कहा 4 शूटर थे, अभी आपकी बात में 6 शूटर आ गए। उन्होंने बोला था 4 एस्टेब्लिश हो गए हैं जितना मुझे याद है, उन्होंने ये नहीं बोला कि 4 ही हैं, ये नहीं बोला उन्होंने। हमने जैसे 5 कर लिए थे तो ये तो चलता रहता है, मतलब कभी उनको इनपुट आ जाते हैं कभी हमें आते हैं। फिर हमने 4-5 दिन पहले बताया था कि हमने 6 एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो हमें 6 क्लियर हो गए थे, तो हमारा सारा फोकस 6 के 6 शूटर्स पे था। अब कल को कोई पता चलता है कोई और भी है तो वो एक डायमेंशन मतलब नहीं हो सकती। क्या लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में ये पता चला कि आगे इनका या इनके गैंग का टारगेट क्या था? इंटरोगेशन में तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं, मतलब क्रिमिनल बहुत सारी चीजें बताता है, कुछ अंडर प्रेशर वो सही बताता है, कुछ गलत बताता है। इंटर गैंग इनका चल ही रहा है काफी देर से। आगे का टारगेट हम कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई मतलब जो कि हम आपसे इस टाइम शेयर करें, लेकिन अगर हमें लगेगा कि किसी आदमी को थ्रेट हो सकती है, किसी और स्टेट में रहता है, तो हम उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इंटीमेट करेंगे। क्या इंटरोगेशन में ये चीज सामने आई कि करण जौहर से को थ्रेट दिया जाना था फिरौती के लिए, सलमान खान को जो चिट्ठी भेजी गई उनके पिता के नाम पर वो चिट्ठी सही है, या हाइपोथेटिकल कोई छोटे क्रिमिनल जो हैं इस पूरी गैंग वॉर का फायदा उठा के वो चिट्ठियां लिखने लग जाते हैं, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी हुई? वो हमारी ज्वाइंट इंटरोगेशन हमने करी थी पुणे पुलिस के थाने पुलिस के साथ, और मुंबई क्राइम ब्रांच की भी टीम आई थी। उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ था, क्योंकि जब संतोष यादव पकड़ा गया वो भी इस एरिया से महाराष्ट्र पुलिस ले गई थी, नवनाथ चंद्रवंशी और यादव बाद में पकड़े थे और महाकाल पहले पकड़ा था, तो उनसे कुछ कुछ बातें आई कि किसी लड़के ने इनके बिहाफ पे वहां लेटर प्लेस करी है। बट उससे ज्यादा हमने मतलब क्योंकि उनकी कस्टडी में थे और हमारी टीम ने थोड़ी देर के लिए इंटरोगेट किया था, तो हम बहुत ज्यादा डेफिनेटिव आपको उस पर नहीं बता सकते। लेकिन ये तय है कि जो सलमान खान के नाम पर चिट्ठी गई या जो करण जौहर की बात आई उससे फिरौती मांगनी थी, ये सही है? कुछ लिंक था ये हम बोल सकते हैं, लेकिन कितना एस्टेब्लिश करे क्योंकि उनकी तफ्तीश है। विदेश में जब भी कोई बड़ा क्रिमिनल या कोई भी नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ आदमी होता है उसको फाइनेंशियली वीक कर दिया जाता है, इतना फाइनेंशियली वीक कर दिया जाता है कि सिस्टम से उसको थ्रेट नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे ये गैंगस्टर जेल में रहकर इतने इतने पैसे खर्च लेते हैं अपने वकीलों पे, इनकी इनकम का जरिया क्या है? नंबर 2, इन लोगों को कौन फैसिलिटेट करता है, इतने महंगे वकील कैसे होते हैं, इनको सुरक्षा का भी खतरा हो जाता है? क्या इकोनॉमिकली ये जेल में रहकर भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितने बाहर रहकर स्ट्रांग होते हैं? जेल में रहकर तो उतना स्ट्रांग नहीं होता कोई, बाहर रहकर तो जरूर काफी कुछ वारदातों को अंजाम देते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, क्राइम करते हैं। जेल में जाने के बाद तो वो बात नहीं मैं बोलूंगा कि रहती है, लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस पूरे नेक्सस में कि दिल्ली पुलिस ने पिछले अगर 3-4 महीनों में मैं देखूं तो स्पेशल सेल ने खासकर 3-4 बड़े केस क्रैक किए। पहले बब्बर खालसा के एक्टिव मेंबर पकड़े उन्होंने, उसके बाद विक्की मिडूखेड़ा के जितने भी शूटर थे वो पकड़े, तीसरा बड़ा केस ब्रेक किया आपने सिद्धू मूसेवाला का। क्या पंजाब पुलिस बहुत से बड़े केसों को ढीले में ले रही है या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का पंजाब को लेकर कंसर्न बढ़ गया है?
पहली बात तो बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि पंजाब पुलिस भी बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है, उनकी इतना स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए ये तो एक चैलेंज है, अगर कहीं भी बड़ा क्राइम हो रहा है और क्राइम की कोई सीमा नहीं है, वो क्रिमिनल पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, कहां महाराष्ट्र, वहां तक जाके क्राइम कर रहे हैं और बड़े स्पेक्टेकुलर ड्रामेटिक एक्शंस को अंजाम देने का प्लान कर रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी स्टेज पे ऐसा होता है कि जैसे हमारी टीमों में हमारा क्या होता है कि हमारी हमेशा ये फिलॉसफी ये रही है कि हमारी अपनी ही टीम्स में इतना कंपटीशन होना चाहिए पकड़ने का कि बाकी तो बाद में आए, मतलब हमारी ही टीम मतलब एक नंबर दो पे हो, वो तो एक चैलेंज वाली बात है। उसका कुछ हिस्से किसी एक पर्टिकुलर क्राइम से लेना देना नहीं, कुछ भी बड़ा होगा तो हम रिएक्ट करते ही करते हैं, पहले भी हमारा रहा है, अपने नेबरिंग स्टेट्स के काफी अच्छे केस रेगुलरली हम करते रहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। पंजाब के साथ पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, चाहे ड्रोन की हो, ड्रग्स की हो, चाहे वेपन्स की हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल सेल को होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मॉड्यूल्स को चेक करने के लिए स्पेशल हिदायत मिली हो, इसलिए पंजाब पर दिल्ली पुलिस ज्यादा काम कर रही है? नहीं, ये इत्तफाकन है? इत्तफाकन भी नहीं है एक्चुअली। मैं एज अ पुलिस ऑफिसर मानता हूं कहीं बड़ा केस होता है तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज है, पकड़ तो कोई भी सकता है क्रिमिनल को, पकड़ के आप क्या होगा, लीगल कार्रवाई है कि अगर हम पकड़ते हैं तो हम पकड़ के उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर हमारा केस नहीं है तो हम उसकी अरेस्ट डालेंगे या मतलब उसको अरेस्ट करके हम वो दूसरी स्टेट प्रोडक्शन पे ले जाएगी। तो ये तो अगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी बड़े क्राइम के क्रिमिनल्स को पकड़ती है तो उसके लिए बड़ा अच्छा फेदर इन द कैप है। मैंने ये तो चैलेंज है, प्रोफेशनल चैलेंज है, इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, बट इट्स अ प्रोफेशनल चैलेंज, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन सेल ने बहुत शानदार काम किया इस बड़े और इम्पोर्टेंट मर्डर केस में, और ये भी बात है कि पंजाब पुलिस को भी शूटर्स को ट्रैक करना चाहिए था, वो थोड़ा ढीले रह गए ट्रैक करने में, या अभी उनकी जांच वहां नहीं पहुंच पाई जहां आप लोग पहुंच गए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये गैंगस्टर पकड़ने से रिमांड लेने के बाद खत्म हो जाएगा, या हम ये मान के चलें कि लॉरेंस बिश्नोई किसी और बड़े मर्डर केस का मास्टरमाइंड नहीं बन पाएगा, ऐसी भी कोई चीज आएगी आगे फ्यूचर में? तो मैं आपको प्रेडिक्ट करना मैट्रिक्स टाइप की अगर कोई थिंकिंग हो फिर ही बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके इंडिविजुअल क्राइम के लिए, बट गैंग वॉर और जो है जो फ्यूचर में जो हम देखते हैं जिस तरीके से नार्कोटिक्स का भी प्रेवेलेंस है सोसाइटी में, वेपन्स का भी काफी हद तक एक्सेस है और ग्लैमर भी है यूथ को काफी सारा मैंने देखा है, यू नो यंगर डेज में आपका माइंड इतना इवॉल्व नहीं होता, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सही रास्ता सबको नहीं मिलता, तो कई बार इंसान यंगर एज में गलती कर जाता है, बाद में बेशक रिग्रेट हो। बहुत सारी इंटरोगेशन मैंने बहुत सारी 400-500 वार्डन क्रिमिनल्स की अब तक करी होंगी, मैंने जो एक ट्रेंड देखा है मतलब स्ट्रेन ऑफ थॉट देखा है, अगर आप उनको उनकी जिंदगी भी देखें तो बहुत सारे हैं कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, जो अच्छे पढ़ाई में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग वैसी नहीं हुई, उनकी सोशलाइजिंग नहीं हुई, उनको मौका नहीं मिला वक्त पे, संगत ऐसी हो गई, एक क्राइम में किसी दोस्त के साथ हो लिए, छोटा मोटा लड़ाई हो गई, केस लग गया, एक आधा केस और पड़ गया, फिर वो निकल ही नहीं पाता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी कुछ हमारे में कमियां हैं कि एक बार जो इस साइड आ जाता है तो उसको क्राइम से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, मतलब फिर लाइफ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देती। आपने इंटरोगेशन में ये सब पूछा इससे या नहीं कि पंजाब में इतने केस होने के बावजूद कई सालों से वो पंजाब नहीं लौटा बिश्नोई, वो कैसे ये चीजें मैनेज करता रहता है अंदर बैठे ही कि उसको मतलब वो पंजाब वापस नहीं जा पाता? नहीं, हमें तो कभी ऐसा कोई चैलेंज किसी क्रिमिनल को लेने में आया नहीं। अगर हम किसी केस में एविडेंस लेके आते हैं और हम जाके उसकी कोर्ट हमें परमिशन देती है क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन करके हम अरेस्ट डालते हैं और हम उसको प्रोटेक्शन पे ले आते हैं, तो ये तो कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो क्या कर सके? पंजाब पुलिस की कमी रही कि वो नहीं ले जा पाए? मैं किसी की उस पर नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन लॉ में किसी को कोई बाधा नहीं है क्रिमिनल को, अगर कोई किसी जेल में अरेस्टेड है आज इसके बाद हरियाणा पुलिस लेके जाना चाहेगी या राजस्थान पुलिस लेके जाना चाहेगी, तो कानूनी प्रक्रिया तो सबके लिए सेम है। जग्गू भगवानपुरिया पर ज्यादातर केस पंजाब में दर्ज है पर वो भी तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, तो इसको भी क्या माने हम कि पंजाब पुलिस नहीं ले जा रही है वापस, और यहाँ पर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का एक साथ तिहाड़ जेल में होना ये किसी भी गैंग को मजबूत करने वाली बात होती है? नहीं, उस जेल में तो हजारों क्रिमिनल है, देखिए कोई वहां कोई दो चार क्रिमिनल तो है नहीं तिहाड़ में, मांडोली जेल है, कई लोग इनमें से मांडोली में थे,
जगू भगवान पुरिया मंडोली में था। ये कहना कि कोई इस जेल में यही पांच लोग हैं और पूरी जेल उनके पास है, ऐसा तो नहीं है। वहां डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट जेल्स हैं, एंड कोई ऐसा नहीं कि कुछ पर उनका नेक्सस तो बड़ा होता है ना अंदर। देखो कोई फ्रीली इंटरमिंगल का तो वहां है नहीं, ऐसे तो बुढ़ैल जेल ब्रेक भी हुआ था अंदर से, तो वो तो किसी भी सिस्टम में वनरेबिलिटी है। नाभा जेल ब्रेक हुआ था, वहां तो बहुत ही ब्रेजन इंसिडेंट हुआ था। तो आप ये बोलना कि ये यहीं की जेल है, यहीं का, वो तो आप कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रेस्ट डाल के लेके जा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस की जो स्टेट पुलिसेस की आपसी रिफ्ट होती है, एज ए पुलिस ऑफिसर आपको ये कहना मुश्किल भी होगा, उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेलें शिफ्ट करवाने वाला काम चलता रहता है और वो दूसरे केसेस में दूसरी स्टेट में जाके वो बैठ जाता है और उसका दूसरी स्टेट में जो है वो क्राइम का अपना नेटवर्क चलता रहता है। देखो रिफ्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो रेगुलरली मैं जैसे प्रमोद बान साहब हैं, ओके हेड है, मेरी बात होती है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले मैंने उन्हीं को कॉल किया जब हमें एस्टेब्लिश हो गया सब कुछ कि ये ऐसे करके इनका रोल एस्टेब्लिश हो गया, पकड़े गए, सब कुछ हो गया। तो सबसे पहली कॉल मैंने प्रमोद बान साहब को ही की थी, डोके साहब को भी मैंने बताया। तो हमारी हरियाणा में सतीश बालन साहब से होती है, यूपी वालों काउंटर पार्ट से होती है, राजस्थान से होती है, तो हम रेगुलर इंटरेक्ट करते रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंड संदीप नंगल अंबिया में बहुत अच्छा ज्वाइंटली काम किया था, विकास माले जो था हमारी टीम ने पकड़ा, हरिंदर फौजी उन्होंने पकड़ा, उसकी काफी इनपुट्स स्पेशल सेल की टीम ने शेयर करी थी। तो ऐसा कोई रिफ्ट वाली या कॉम्पिटिशन, हाँ देखो चैलेंज तो है, देखो वो मैं पार्ट एक्सेप्ट करता हूं कि मैं हमारी अपनी टीम में दूसरी जो काम कर रही थी उनको बड़ा वो लग रहा था कि हम पीछे रह गए। जिस टीम ने आइडेंटिफाई किए उनको लग रहा था कि हम हेड स्टार्ट में हैं, उनको लग रहा था कि विक्की मिड्डू खेड़ा वाले हमने पकड़े, संदीप नंगल वाला हमने पकड़ा, तो उन्हें लग रहा था, ऐसा इंप्रेशन था। वो बहुत, उनके लोग तो 20 दिन से हमारे, हमने उनको रिप्लेस करवाया, वो 18 दिन से एक टीम बैठी हुई थी गई, तो वो थोड़े एक होता है कि थोड़ा सा आपको लगता है कि आप मिस आउट कर गए। लेकिन वो तो देखो क्राइम क्रिमिनल को पकड़ने में तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, या थोड़ा एलिमेंट ऑफ स्ट्रोक ऑफ एक लक भी होता है हर चीज में। क्या पंजाब में बंबीहा गैंग वर्सेस बिश्नोई गैंग है, ये बात पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मानी? इंटर गैंग राइवलरी तो है। कारण? मल्टीपल कारण है उसके। क्या लक्की पटियाल वगैरह जो बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं सेम उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई का आदमी गोल्डी ब्राड बाहर बैठकर ऑपरेट कर रहा है और ये सबसे बड़ा सिरदर्द है एजेंसीज के लिए? ये भी एक चैलेंज है। आई मीन यू नो एजेंसीज के पास तो देखिए बिगर टेरर भी है, ऑर्गेनाइज गैंग्स भी हैं, लोकल भी हैं। कई बार लोकल क्रिमिनल इतना बड़ा चीज कर देता है कि उसको खुद ही उसकी ग्रेविटी नहीं पता होती। तो लॉ एनफोर्समेंट तो एक बड़ा डायनामिक और चैलेंजिंग टास्क है, मतलब इसमें किसी चीज को आप डाउन प्ले नहीं कर सकते, किसी चीज को आप ओवर प्ले नहीं कर सकते। जो सिचुएशन है, जैसा मौका है, वैसी कार्रवाई करनी है। लॉरेंस को इतनी कम उम्र में जिस तरह का उसका बाहर जो है वो इतने बड़े गैंगस्टर के रूप में उसको लोग जान रहे हैं, क्या वाकई वो उतना बड़ा गैंगस्टर है या छोटे छोटे गैंग्स ने और छोटे छोटे गुर्गों ने उसके नाम पर काम करके उसको बड़ा बना दिया? दोनों डायमेंशन हैं इसमें। पहला है कि मास्टरमाइंड है, 10 साल जो आदमी जेलों में है, 20 जेलों में रह लिया, डिफरेंट स्टेट्स में रह लिया, और जिसने इतने स्टाफ के साथ इंटरोगेशन हुई, इतनी मुलाकातें, इतनी जेल प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, जो एजुकेटेड है, लॉ कर रखा है, तो उसका माइंड तो है। लेकिन दूसरी चीज हमने ये भी देखा है कि जिसका नाम क्राइम में चल गया, जैसे आज गोल्डी ब्राड का चल गया या इसका चल गया या दूसरे ग्रुप का चल गया, तो उनका नाम लेके बहुत सारे लोग और भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो दोनों साइड हैं, वो कुछ कानून के इस साइड हैं, कुछ इधर भी हैं। तो काफी सारा हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें हैं कि जो कि फैक्चुअल हैं, कई नॉन फैक्चुअल भी हैं। कोई मैकेनिज्म आपको समझ आता है इस गैंगस्टर्स को, इन गैंग वॉर्स को खत्म करने का? देखिए इसका सोल्यूशन पुलिसिंग अकेला नहीं है। पुलिस तो क्या है, क्राइम होगा पुलिस पकड़ेगी, डिफरेंट पुलिस फोर्सेस काम करेंगी, कुछ लोग कन्विक्ट हो जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। ये तो एक तो सिम्टोमेटिक, इनके तो सारे गवाह मुकर जाते हैं, गवाह भुगतने नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ है ये बात की। लेकिन आपका जो है कि फ्लू फैले ही ना, वायरल हो ही ना, उसके लिए तो जो सोसाइटल कंडीशंस हैं उसके रीजन क्या है? यू नो यूथ में जो भी है, कई बार लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कई बार पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ड्रग का इन्फ्लुएंस है। जैसे अब इन्होंने जब वारदात दी तो 2-3 लोगों ने अफीम खा रखी थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब उसके आदमी को कई बार आर्टिफिशियल, क्योंकि हर बंदा जब बड़ा क्राइम भी करता है, क्रिमिनल भी देखता है, उसमें भी डर होता है, ऐसा नहीं है। तो आप मतलब कई बार कोई चीज आपको एक आर्टिफिशियल फेक कॉन्फिडेंस देती है कि कर ही देंगे, जैसे दारू पी के कुछ कर दिया।
ड्रग है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी मैं कुछ हद तक जिम्मेदार मानता हूँ। कई बार किसी लेवल पे हमारे लोगों की भी गलतियां हैं, मैं मानता हूँ कि किसी केस में कोई इन्वॉल्व है, दो चार और इन्फॉर्मेशन मिली, उसका बेसिस प्रॉपर था नहीं था, उसको उसमें नामजद कर दिया, मतलब उसकी हिस्ट्री इतनी होगी कि वो आदमी बाद में निकल ही नहीं पाया, या निकला तब तक बहुत वक्त जा चुका था। वो जो आदमी 20 22 23 साल पे एम्प्लॉयबल था, 28 तक एम्प्लॉयबल था, 32 34 पे बाहर आ रहा है, वो सडनली देखता कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। देयर इज नो गोइंग बैक टू द नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में क्या फैक्टर है? पूरा ऑथेंटिकली तो बोलना मुश्किल है, बट मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने पूछा तो होगा ना कि तुम क्यों इस तरह के बन गए? इसमें कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पर कोई वजह तो होगी? मल्टीपल वजह है। कोई दो? नहीं, वो छोड़ दीजिए। धालीवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातों के बड़े साफ गोई से जवाब दिए। दो चीजें होती हैं। नंबर वन, एक मेरा अपना मानना यह है, आप भी सोचिएगा, कोई भी क्रिमिनल कनेक्टिविटी के बिना किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता। और दूसरी बात मुझे जो लगती है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस का कोई ना कनेक्शन विक्की मिड्डूखेड़ा और गुरलाल बराड़ के मर्डर केस से जरूर है, जिसकी वजह से उसको मारने के लिए ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इतने टाइम से डेस्परेटली प्लानिंग कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस इंटरव्यू पर अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।